तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप मिस्टर मोमी यानी कि एसके नोमान की जैसा वीडियो कैसे बना सकते हो अपने मोबाइल फोन से। दोस्तों आपने देखा होगा कि जो नोमान भाई यानी कि जो मिस्टर मोमी है, अपना फेस आज तक उन्होंने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर रिवील नहीं किया है। उनकी जो ऑडियो है इंस्टाग्राम के ऊपर काफी ज्यादा चलती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अपना वो कैसे साउंड रिकॉर्ड करते हैं, कैसे एडिट करते हैं और कौन से एप्लीकेशन में करते हैं। पूरा फुल डिटेल में आज आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी रिक्वेस्ट है, प्लीज आपको अपने छोटे भाई के लिए आपको छोटा सा काम कर देना है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके उसके साथ में जो बगल में बेल का आइकन है उसको ऑल पे प्रेस कर देना है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपने नोमान भाई की वीडियो में देखा होगा कि एक फोटो रहता है, फोटो में म्यूजिक चलता रहता है और पीछे बैकग्राउंड में एक वैसा म्यूजिक चलता रहता है जो उस साउंड को अट्रैक्टिव बनाता रहता है। दोस्तों तो इनके जैसा वीडियो एडिट करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, इसका नाम है वीएन एप्लीकेशन। तो ये काफी कमाल का एप्लीकेशन है, उसे आप प्ले स्टोर से फटाफट डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों तो डाउनलोड करने के बाद का जो प्रोसेस है मैं आपको अपने मोबाइल फोन पर बताने वाला हूँ। चलिए चलते हैं हमारे मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर। तो गाइस आपको एसके नोमान की जैसा वीडियो बनाने के लिए आपको सबसे पहले अपने वीएन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो ओपन करने के बाद आपको नीचे प्लस के बटन आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर आपको न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर टैप कर देना है और आपको यहाँ पे एक फोटो ऐड कर लेना है। डार्क फोटो वॉलपेपर के नाम से आप गूगल पर सर्च कर सकते हो। तो आपको मैं दिखा देता हूँ, आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे फोटोज डाउनलोड कर लेने दोस्तों। तो आपको काफ़ी सारे गूगल पे मिल जाएंगे, बस आपको सर्च करना होगा डार्क लव वॉलपेपर। दोस्तों अगर आप इसे सर्च करोगे तो ऐसे आपको फोटोज़ काफ़ी सारे मिल जाएंगे गूगल के ऊपर, तो उसे आप डाउनलोड करके अपनी वीडियोस में यूज़ कर सकते हो। दोस्तों आपको सबसे पहले वीडियो के एंड में चले जाना है और जो वाटरमार्क है उसको आपको डिलीट कर देना है। दोस्तों आपको सबसे पहले वीडियो के ऊपर एक बार क्लिक कर देना है, आपको थोड़ा यहाँ से स्क्रॉल करना है और यहाँ पे एक क्रॉप का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और थोड़ा यहाँ पे आपको स्क्रॉल कर देना है। यहाँ पे आप 19:16 कर देना है दोस्तों। तो इतना कर देने के बाद आप इसे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो आपको राइट के ऊपर क्लिक कर देना है दोस्तों। तो इतना करने के बाद आपको जो फोटो का साइज है थोड़ा और बढ़ा देना है दोस्तों। तो मैं इसको थोड़ा और बढ़ा देता हूँ। तो आपको अब अपना इसमें डायलॉग ऐड कर लेना है, जो शायरी आप बोलना चाहते हो मिस्टर नोमान की तरह, ठीक है। तो आपको यहाँ पे म्यूजिक के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप कोई एक्सटर्नल यहाँ पे ऑडियो ऐड करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, या फिर इसमें आप यहीं कहीं अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो दोस्तों। तो मैं आपको यहीं कहीं एक ऑडियो को रिकॉर्ड करके दिखा देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, और आपको इसे एडिट भी करके दिखाऊंगा। तो मैं आपको एक ऑडियो यहाँ पे रिकॉर्ड करके दिखा देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैंने एक ऑडियो यहाँ पर अपना क्रिएट कर लिया दोस्तों। तो आपको मैं इसे एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। कुछ ऐसा हाल है मेरा कि तेरे ही गले लगकर तेरी शिकायत कर। तो आप देख सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग जो आप शायरी बोलना चाहते हो, जो आप डायलॉग बोलना चाहते हो, आप यहाँ पे बोल सकते हो। तो सो मैंने आपको रैंडमली एक एग्जांपल के तौर पे ये आपको दिखाया करके, ठीक है। अब आपको इसमें करना क्या है, अगर आप इसमें टेक्स्ट ऐड करना चाहते हो तो आपको ऊपर टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको टाइटल पे ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे जो भी आप ऐड करना चाहते हो उसे आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो आपने देखा होगा जो मिस्टर नोमान है उनकी वीडियो में कुछ टेक्स्ट लिखे हुए आते हैं दोस्तों, तो आप यहाँ से उसे ऐड कर सकते हो दोस्तों। तो आप जो अपनी वीडियो में म्यूजिक ऐड करना चाहते हो तो म्यूजिक के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो आपने उसे डाउनलोड कर रखा है तो काफ़ी अच्छी बात है, अगर नहीं डाउनलोड कर रखा है तो आप उसे डाउनलोड करके अपनी वीडियोज़ में यूज़ कर सकते हो दोस्तों। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक NCS का म्यूजिक इसमें ऐड करके दिखा देता हूँ, बिकॉज मेरे चैनल पर कॉपीराइट आने का खतरा है दोस्तों। तो मैं आपको एक म्यूजिक यहाँ पे ऐड करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने एक म्यूजिक यहाँ पे ऐड कर लिया है दोस्तों। तो आप इस तरह से, जैसे मैं आपको एक वीडियो के बारे से प्ले करके दिखा देता हूँ दोस्तों। कुछ ऐसा हाल है मेरा कि तेरे गले लगकर, तो आप इस तरह से अपनी वीडियो एडिट कर सकते हो। तो आप इस तरह से इसमें एडवांस लेवल की वीडियो एडिटिंग कर सकते हो दोस्तों। तो एसके नोमान अपनी वीडियो इसी तरह एडिट करते हैं, तो काफ़ी सिंपल मेथड मैंने आपको बताया, बिल्कुल सिंपल वे में कि कैसे नोमान भाई अपना वीडियो एडिट करते हैं। तो आपको अपने अकॉर्डिंग एडिटिंग करने के बाद जो उसमें आप एडजस्ट करना चाहते हो आप उसमें कर सकते हो, जो आप उसमें अपना बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करना चाहते हो वो आप कर सकते हो दोस्तों। तो इतना कर देने के बाद आपको ऊपर एक्सपोर्ट वाला एक बटन आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इसके ऊपर क्लिक कर देने के बाद जो आप अपना रेजोल्यूशन रखना चाहते हो आप उसे एक्सपोर्ट करके आप अपने इंस्टाग्राम पर उसे पोस्ट कर सकते हो दोस्तों। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो वीडियो अगर आपके लिए जरा भी हेल्पफुल रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना, बिकॉज मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड गुड बाय।